पाकिस्तानी एंकर और सीनियर सहाफी अर्शद शरीफ को नैरोबी में जिस पुलिस यूनिट ने निशाना बनाया वो स्पेशल सर्विस यूनिट यानी GSU कहा जाता है। GSU के अहलकारों ने यही ये दावा किया है कि अर्शद शरीफ उनके रोकने के इशारे पर ना रुके तो गोली चलानी पड़ी। अब इस जारहाना अमल पर कई सवाल कीनिया के मीडिया भी उठा रहा है, लेकिन आपको यहाँ ये बताएं कि GSU मावराए अदालत कत्ल यानी टारगेट किलिंग और मुलजमान को लापता करने के हवाले से बदनाम है। अब यहाँ ये सवाल उठता है, ये स्पेशल सर्विस यूनिट यानी GSU क्या है, किसके अंडर में आता है? 1999 में बनने वाले स्पेशल क्राइम प्रिवेंशन यूनिट को 10 साल बाद स्पेशल सर्विस यूनिट का नाम दिया गया। GSU दरअसल नेशनल पुलिस सर्विस के महकमे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के तहत काम करता है। जाहिरी बात है, यूनिट को बनाने का मकसद क्राइम को कंट्रोल करना था। ये उन इलाकों या शहरों में एक्शन दिखाता है जहाँ जराइम बेकाबू हो चुके हों, जदीद तरीन सहूलियात से आरस्ता है, जबकि इसके अहलकार माहिर स्नाइपर और कमांडोज होते हैं। स्पेशल सर्विस यूनिट के मेंबर्स 25 से 30 के करीब हैं और ये ज़्यादातर डायरेक्टरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के नैरोबी के हेडक्वार्टर से ऑपरेट करते हैं। इस यूनिट का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पता चलता है कि ये हाई प्रोफाइल और मुश्किल केसेस को हल करने में खासी महारत रखता है। लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से इस यूनिट पर शहरियों के मुबैना तौर पर अगवा करने, लापता करने और मशकूक मुलजमान के इनकाउंटर जैसे इल्ज़ाम सहने पड़ रहे हैं। कीनिया के मीडिया ने बेशतर वाकयात में इस यूनिट को ज़िम्मेदार ठहराया, लेकिन सबूत फिर भी ना मिल सके। जैसे जुलाई 2022 में कीनिया की अदालत ने 3 पुलिस अहलकारों और एक सिविलियन शख्स को हकूक़ इंसानी के लिए काम करने वाले वकील वेली केमानी और 2 दीगर अफराद को जून 2016 में कत्ल करने का मुजरिम ठहराया। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक मुजरिमों के खिलाफ कोई सज़ा नहीं सुनाई दी गई। इसी तरह मई 2016 में कीनिया के बिजनेसमैन जैकब जोमा को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया गया जब वो अपने घर जा रहे थे। अब जैकब जोमा कौन थे? तो जनाब ये वो थे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ कई नाकाम कारोबारी माहिदों में हाई प्रोफाइल केसेस दायर किए हुए थे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत ने इन्हें रास्ते से मुबैना तौर पर हटाया, सिर्फ यही नहीं, ऐसी वारदातें और मुबैना कत्ल हैं जिसके बाद स्पेशल सर्विस यूनिट पर शक की उंगलियाँ उठी। इन तमाम पहलुओं को सामने रखें तो ये कहा जा सकता है कि कीनिया के स्पेशल सर्विस यूनिट बेलगाम है, जो कानून का मुहाफिज तो है लेकिन खुद ही कानून तोड़ने में आगे रहता है, जो मशकूक इनकाउंटर करके ये साबित करता है कि वो कानून से बालातर है। इसी तनाजुर में पाकिस्तानी सहाफ़ी अर्शद शरीफ को जिस तरह इस यूनिट ने निशाना बनाया वो इसका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि ये स्पेशल सर्विस यूनिट अपने सामने किसी का सुनने का रवादार नहीं, जो मामूली सी बात पर भी जारहाना रद्द अमल देता है, चाहे इसके नतीजे में किसी की जानी क्यों ना चली जाए।